हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलकाज किचन। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जाने वाले हैं गोभी मंचूरियन, जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, चाइनीज रेसिपी है। आइए देखते हैं कैसे बनती है। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए हमको इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, स्प्रिंग ऑनियन, ऑनियन बारीक कटा हुआ, ये ऑनियन का कटा हुआ सफ़ेद भाग है, मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, रेड चिली, कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, गोभी, अजीनोमोटो, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, विनेगर। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 स्पून इसमें सोया सॉस डाल देंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट सॉस, सॉरी, रेड चिली पाउडर, अजीनोमोटो, सॉल्ट, वन स्पून केचप, कॉर्नफ्लोर 4 टेबल स्पून, मैदा 5 टेबल स्पून, 3 एंड 5, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा वाटर डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है, इसको आधा घंटा हो गया है। थोड़ा मुझे ये गीला लग रहा है। इतना आटा इसमें डालेंगे कि हमारे गोभी पूरे अच्छे से मैदे और कॉर्नफ्लोर में लिपट जाए या कोटिंग हो जाए अच्छे से। इसके ऊपर थोड़ा सा और डालेंगे ताकि थोड़ा क्रिस्पी बने। जब भी गोभी मंचूरियन बनाना है तो अगर 5 टेबल स्पून आप मैदा ले रहे हो तो 4 टेबल स्पून आपको कॉर्नफ्लोर लेना है। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। गर्म हो गया है, हमारा तेल गर्म हो गया, मैं गोभी डालूंगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम सॉस बनाएंगे। ग्रीन चिली डाल देंगे, ऑनियन डालेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे, नहीं भूनेंगे इसको। बस हमारा गार्लिक और जिंजर डाल देंगे, कैप्सिकम डाल देंगे, थोड़ा
अब अपने सॉस मिला लेंगे इसके अंदर रेड चिली सॉस, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, टोमेटो केचप, चिली पाउडर, अजीनोमोटो। ये हमारा भून चुका है, अब इसमें लोग वाटर ऐड करेंगे। अब इसमें हम लोग कॉर्नफ्लोर को घोल लेंगे। इतना ही डालना है जितना हमको थिक चाहिए। एक चम्मच इसमें विनेगर डालूंगी मैं। ये बन गया है, अब इसमें मैं अपने अपना ग्रीन ओनियन डाल दूंगी, थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा के रखूंगी। हो गई है, अब इसको अच्छे से बाउल में निकाल लूंगी मैं। ये देखिए कितनी अच्छी गोभी मंचूरियन बनी है। हमारा गोभी मंचूरियन बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसको जरूर ट्राई करिए। Thank you for watching. Bye.